आरिफ अलवी कल इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सूबे और मरकज के इलेक्शन एक साथ होने का दावा भी कर दिया। बोले इमरान खान को नाअहल करने की गलती नहीं करनी चाहिए। 30 अप्रैल तक इमरान खान पर एक और हमले का खदशा भी जाहिर कर दिया। ये भी कह दिया कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार नवाज, शहबाज, जरदारी, बिलावल और राणा सनाउल्ला होंगे। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। इमरान खान को नाअहल करार देने की या गिरफ्तार करने की गलती नहीं करनी चाहिए। 30 अप्रैल तक इमरान खान की जान पर एक और हमला हो सकता है। 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। एक घटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जकड़ भी आ सकता है। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। ख्वाजा आसफ की रगों में अभी ख्वाजा सफदर का खून दौड़ रहा है। कल उन्होंने एतराफ किया है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। बहुत ही हसास वक्त पर एक बयान दिया है, डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, जो कहते थे कि जो डिफॉल्ट कहेगा वो गद्दार होगा। अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया, इतनी जुर्रत भी तो करो ना।